जय हिंद लर्नर्स वेलकम टू वोग्राफी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में जो हमारा चैप्टर चल रहा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स ये वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर है ऑफ दिस चैप्टर आज हम चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं अंडर दिस वीडियो आज हमें बेसिकली दो टॉपिक कवर करना है सबसे पहले तो हम बात करेंगे जितने हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस हैं उनको हम जितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं और उसके बाद सेम टाइप्स को हम ऑल ओवर द नेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहाँ कहाँ किन स्टेट्स में उस टाइप के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस हमें देखने को मिल जाते हैं अभी तक जो हमने बात की प्रीवियस लेक्चर्स में इफ़ यू हैव सीन दिस वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि नेगेटिव फैक्टर्स को जो हमारा सेकेंड वीडियो रहा उसके बाद हमने कुछ कंजर्वेशन प्लांट्स की बात की कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स दो विच आर बींग प्रेजेंट इन इंडिया सी स्टूडेंट जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इट्स नॉट अ ईजी टास्क से ये कोई बहुत ईजी टास्क नहीं है जो कोई भी इजिली अचीव कर सके जब जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सिज फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्री एंड सेम एप्लीकेबल इन आ कंट्री एज वेल इट्स क्वाइट डिफिकल्ट उनको कंजर्व करना उनको मैनेज करना और रेगुलेट करना टाइम टू टाइम पे फॉर आर कंट्री इन इंडिया फॉर द कन्जर्वेशन एंड ऑल दिस टास्क विच वी हैड जस्ट टॉक्ड अबाउट उनके रेगुलेशन का मैनेजिंग का हाउ वी आर कंजर्विंग दैम ये हमारा गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और अदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बट जब हम उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वेन वी यूज टू क्लासीफाई दम तो ओवरऑल जो थ्री कैटेगरी निकल के आती है रिगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस टाइप्स की हम बेसिकली यहां बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम बाद में करेंगे तो टाइप्स में आपके थ्री इंड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस हम कंसिडर करते हैं नंबर वन जो आपका है वो है रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट ये है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस देन आफ्टर जो सेकेंड है आपका वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस है स्टूडेंट्स वो है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट तो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पूरे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया रिजर्व फॉरेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट में अब इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम उनको डिफाइन करेंगे सो so, जब हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट वन स्टूडेंट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जितना भी हमारा फॉरेस्ट कवर है जो भी हमारा लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है उसका मोर देन हाफ इतना मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट लैंड मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयरड एज इट तो जितना हमारा फॉरेस्ट एरिया है उनके मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट लैंड को हमने डिक्लेयर कर दिया है एज अ रिजर्व फॉरेस्ट एंड दिस पर्टिकुलर कैटेगरी बिकम्स मोर वैल्यूएबल और आई मस्ट से मोस्ट वैल्यूएबल वन जब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की क्यों नाम से ही क्वाइट क्लियर है ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट कवर हैं ये कुछ वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जिनको हमने रिजर्व कर दिया है for the upcoming generations for the future times so they are being reserved or more than half term they consider kar hai, they are being considered as reserved forest so that's why the second basic characteristics which can be written while defining reserved forest most valuable for कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये थी अमारी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फर्स्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस क्लियर देन आफ्टर जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है सेकेंड कैटेगरी इज बींग ने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के जो हम शेयर की बात करते हैं जो भी हमारे फॉरेस्ट कवर हैं उनका जो वन थर्ड रीजन है उसको हमने रखा है अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड दिस इज बींग आइडेंटिफाइड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया अगेन इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हमने एक तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया कि फर्दर इनका डिप्लून ना हो पाए सो दर बी इंक्लूडेड अंडर द प्रोटेक्टेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज फिर चाहे वो फॉरेस्ट हो या वाइल्ड लाइफ हो और वो कितने हैं पूरे फॉरेस्ट कवर के वन थर्ड है तो जो दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी यहाँ पे निकल के आती है रिगार्डिंग Protected forest, they are number one, one third of forest cover marked as protected forest. बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने वन थर्ड ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया को कंसीडर कर लिया है एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड देन आफ्टर व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाई वी हैव डिड दिस क्लासिफिकेशन व्हाई वी हैव मेड दिस टाइप बिकॉज दे रिक्वायर्ड स्पेषल एफर्ट्स स्पेषल अटेंशन फॉर देयर कंजर्वेशन

इस टाइप को एक तरीके से क्लासिफाई किया था इस टाइप को अलग बनाया गया था बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दोज हु आर इन्वॉल्व फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया देन आफ्टर जो आपकी थर्ड कैटेगरी है एंड दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन सी कैटेगरी है हमारी अन फॉरेस्ट की कैटेगरी है अन फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो अन फॉरेस्ट अब जो हमारे मोर देन हाफ यहां पे आ गए वन थर्ड यहां पे आ गए अब जो हमारे रिमेनिंग फॉरेस्ट कवर हैं या फिर वेस्टलैंड हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं अंडर द अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इट्स कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सो सिंपली यू विल राइट रिगार्डिंग द अनक्लास्ड फॉरेस्ट रिमेनिंग फॉरेस्ट कवर एंड वेस्ट लैंड ये आपके आ जाएंगे अंडर द थर्ड कैटेगरी अंडर द थर्ड टाइप व्हेन इट कम्स टू फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो यहां तक हमने टाइप की बात कर ली थ्री टाइप्स की हमने बात कर ली रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं और अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फ्रेम किया जाता है रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस और वो है आपका वॉट इज परमानेंट फॉरेस्ट वॉट इज परमानेंट फॉरेस्ट तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस होना चाहिए अंडर द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज तो जब हम परमानेंट फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये जो हमारी फर्स्ट टू टाइप है कौन सी फर्स्ट टू टाइप है एक तो आपकी हो गई रिजर्व और दूसरी हो गई आपकी कौन सी प्रोटेक्टेड रिजर्व और प्रोटेक्टेड जो है इनको जब हम कंबाइन करते हैं रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड तो बनता है परमानेंट फॉरेस्ट यानी दोनों कैटेगरी के फॉरेस्ट कवर जहां पे लाई करते हैं वहीं पे हमें परमानेंट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं सो यू विल सिंपली से द रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज रिफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट और ये किस पर्पस के लिए बनाए गए थे द बेन पर्पज बिहाइंड टू मेक द परमानेंट फॉरेस्ट और टू आइडेंटिफाई दीज फॉरेस्ट रीजन्स बेसिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर वैल्युएबल फॉरेस्ट कमोडिटीज जो अदर वैल्युएबल फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए हमने परमानेंट फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई किया था और रिलेटेड टू परमानेंट फॉरेस्ट अ बेसिक फैक्ट इन मध्य प्रदेश सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ देयर फॉरेस्ट कवर आर बींग इंक्लूडेड एज परमानेंट फॉरेस्ट तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट नीड्स टू बी शेयर जो हमें यहां पर डिस्कस करना था रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस तो टाइप की हमने बात कर ली जब टॉपिक जो था हमारा टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो टाइप हो गया यहां टिक मार्क। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम टाइप कैसे ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द नेशन तो जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट है आपका विच इज रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट मेनली उन एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं जहां पे आपका अच्छा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है वो हो गए आपके स्टेट्स लाइक ओडिशा There you have states like andhra pradesh आंध्र प्रदेश have states like west bengal वेस्ट बंगाल वहाँ पर आपको रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे states like kerala kerala केरला केरला में आपको रिजर्व फॉरेस्ट मिल जाएंगे तमिलनाडु So these are the few states where you will find फर्स्ट काइंड ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है आपका रिजर्व फॉरेस्ट देन आफ्टर जब हम प्रोटेक्टेड की बात करते हैं फॉर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वी यूज टू कंसीडर स्टेट्स लाइक बिहार बिहार में आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिल जाएंगे देन पंजाब यहाँ पे आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिल जाएंगे देन आफ्टर हरियाणा ऑल्सो हेयर यू हैव द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देन आफ्टर हरियाणा यू कैन ऑल्सो इंक्लूड हेयर राजस्थान यहां पे भी आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और अनक्लास की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो फॉरेस्ट कवर हैं वो हमारे अनक्लास में आ जाएंगे एंड गुजरात ऑल्सो तो ये तो बात थी डिस्ट्रीब्यूशन की कहां पे ये फॉरेस्ट कवर ये जो तीन टाइप की हमने बात की रिजर्व प्रोटेक्टेड एंड अन वेयर दे आर बीइंग फाउंड इन आर कंट्री टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है community and conservation. Community का क्या रोल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस के कंजर्वेशन प्लानिंग में वो हम जानेंगे अपने कंक्लूडिंग टॉपिक अब हम कंक्लूडिंग टॉपिक पर आ गए यह लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन सो कोई भी कंजर्वेशन प्लान हो रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रिसोर्स यहाँ बेसिकली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं उनमें लोकल पीपल का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है बिकॉज लोकल नोज मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर आस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स जो कोई बाहर से आगे बंदा उस बारे में बताएगा क्योंकि उसने वहां की स्टडी सिर्फ की होगी बट जो लोकल कम्युनिटी के लोग होंगे उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया होगा सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट सो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन कम्युनिटी मेंबर्स या जो हमारे जितने ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं कंजर्वेशन में हमेशा से उनका ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है और ये कोई एक नई प्रैक्टिस नहीं है जो इंडिया के आप कह सकते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आपको देखने को मिल रही है इट्स अ ओल्ड प्रैक्टिस और ये सारे ट्राइबल पीपल कंटिन्यूअसली दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइट अगेंस्ट सच एलिमेंट्स दे आर कीपिंग देयर पॉइंट दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इवन बट दे आर स्ट्रगलिंग टू सेव दीज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सिस फ्यू एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें सो यस द सरिस्का टाइगर रिजर्व जो हमारा राजस्थान में है वी ऑल नो दे आर माइनिंग एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन तो वहां के जो आस पास के ट्राइबल पीपल हैं दे आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट सच माइनिंग एक्टिविटीज अंडर द डब्ल्यू पी एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू दे आर अगेंस्ट ऑल सच mining activities. okay, end of the day, all tribal community can log students. they are only dependent on these forest and wildlife resources. and even what they are trying, they are trying to connect these forest cover with the nature, with the spiritual aspect. कि उसके सेक पे हम उन्हें सेव कर पाए फॉर द सेक ऑफ देयर स्पिरिचुअल बिलीफ फॉर द सेक ऑफ देयर नेचर फ्यू दे यूज टू कनेक्ट इट एज अ फॉरेस्ट ऑफ गॉड इन गोटेस तो ये एक तरीका रहा है ओल्डर टाइम से कैसे एक, आप कह सकते हो ये एक कंजर्वेशन स्ट्रेटी है जो ट्राइबल पीपल दे आर ऑप्टिंग फॉर देमसेल्स एंड इवन

कंप्लीटली डिनाइंग द आउटसाइडर इंक्रोचमेंट वो बाहर के लोगों को आने ही नहीं देते हैं उनका अपना खुद का रूल एंड रेगुलेशन है हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ एंड दे आर हैप्पी विद एट नो मैटर वेद देयर इज एनी डेवलपमेंट कोई उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है वह अपने बिलीफ पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनी सोसाइटी में रन कर रहे हैं बट दे आर डूइंग वॉट दे आर डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स जो एट द एंड ऑफ द डे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है और जिससे हमारी सोसाइटी एटमोसफेयर बैलेंस बना रहता है सो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के जो की पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले आप लिखेंगे सो फर्स्ट की पॉइंट जो आपका होगा इट्स नॉट अ न्यू प्रैक्टिस इन एंशियंट टाइम्स कम्युनिटी या कम्युनिटीज आर ट्राइंग द बेस्ट टू कंजर्व आर कंजर्विंग द फॉरेस्ट ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम दे आर स्ट्रगलिंग इन इट एंड स्ट्रगलिंग

वो है राजस्थान में एंड हेयर दीज ट्राइबल पीपल आर फाइटिंग अगेंस्ट द माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज के अगेंस्ट लोग अपनी लड़ाई कर रहे हैं एंड अंडर विच एक्ट डब्ल्यू पी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू देर आफ्टर वाई दे आर डूइंग इट बिकॉज दीस ट्राइबल पीपल कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट कवर फॉर देयर ओन सर्वाइवल देर आफ्टर कुछ लोगों ने क्या किया अपने फॉरेस्ट कवर को अपने उस फॉरेस्ट लैंड को कंसिडर कर लिया है विद स्पिर आस्पेक्ट एंड कंसिडर दैम टू द स्टेटस ऑफ गॉड सो दैट एग्जाम्पल कैन ऑल्सो भी रिटर्न द फाइव विलेजेस ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट और ये अलवर डिस्ट्रिक्ट है आपका राजस्थान का इन्होंने 1200 हंड्रेड हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर को कहां पे कंसीडर कर लिया है एज अ भैरव देव और भैरव देव के अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो एप्लीकेबल हैं इन दिस एरिया दे डू नॉट हैव दे नथिंग टू डू विद द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो आउटसाइड में हो रहे हैं एंड दे आर नॉट अलाउिंग इवन द आउटसाइडर अंडर दिस एरिया दे हैव दर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स जो आपका फ्रेम किया जाता है ऑन दिस टॉपिक इट सेल्फ टर्म्ड एज सैक्रेड ग्रूव्स टॉपिक का नाम है सैक्रेड ग्रूव्स या आप इसको इन ब्रैकेट ले सकते हैं द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस हमेशा से हमने जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है हमने उसको नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश की है कि हाँ विट इज दिस इज़ समथिंग स्पिरिचुअल टू अस दिस फॉरेस्ट कवर एंड ऑल एंड वी हैव टू सेव देम वी हैव टू प्रिजर्व देम फॉर और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो उस लिहाज से भी हम उन फॉरेस्ट कवर को प्रिजर्व करते हैं और एक अच्छी प्रिजर्विंग स्ट्रैटी है जो ट्राइबल पीपल हमेशा से ऑप्ट करते रहे हैं और हमारे नेचर में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बैलेंस करते रहे दे आर डूइंग इट डूंग्रॉम टाइम्स। फिर अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें वो कौन से ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और किस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज को या किस पर्टिकुलर फॉरेस्ट कवर को दे आर प्रिजर्विंग दे आर वे से सेविंग ऑफ वो जिन वेजिटेशन जो हम इन नेचुरल फॉर्म इन द स्टेट जो वो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं नेचुरली वो वहां पे डाइवर्स हो रहे हैं इन दियर ओन ओरिजिनल फॉर्म सो फ्यू एग्जाम्पल्स अबाउट इट सो लाइक द टाइप्स ऑफ मुंडाज एंड संथल्स इन्होंने क्या किया महुआ प्लांट महुआ प्लांट को इन्होंने कंसीडर कर लिया है एज अ स्पिरिचुअल प्लांट अब वो इसके लिए एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बन गया उनका एक बिलीफ आ गया मुंडाज सांतल्स का ये छोटा नागपुर प्लेटो रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं दे आर प्रिजर्विंग दिस फॉरेस्ट कवर फिर अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करें और अदर ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ बिहार एंड ओडिशा यहाँ पे जो ये ट्राइबल पीपल हैं दे आर वर्शपिंग ट्री लाइक टैरामाइन एंड मैंगो ट्री ड्यूरिंग वेडिंग्स दे आर वर्शपिंग दीज प्लांट कवर दीस फॉरेस्ट स्पीशीज तो वहां पे वो उसको सेव कर रहे हैं ऐसे कई एंडलेस एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे अंडर द ट्राइबल पीपल वेअर वी आर प्रिजर्विंग दम वी आर वर्शिपिंग एंड ट्राइंग टू कंजर्व दम हम और आप आप सभी लोग देखते हैं कई इस बार जब घरों में पूजा होती है तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं जैसे आपका पीपल तुलसी ये सारे हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम पूजा करते हैं बैनियान ट्री बरगद का पेड़ हो पीपल का पेड़ हो एंड इवन जब हमारे घरों में सत्यनारायण की कथा होती है तो जो बैम्बू स्टिक है जब सत्य जब हमारा रामायण पाठ कराया जाता है तो जो हमारा बैम्बू स्टिक है दैट आर बींग यूज एज सैक्रेड ग्रुप्स तो हमेशा से ये एक तरीका रहा है एक मेथड रहा है कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को किसी ना किसी तरीके से फिर चाहे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो कोई कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी हो उसको अपना के कैसे हम उसको सेव कर सकें एंड नॉट ओनली टू प्लांट स्पीशीज एनिमल स्पीशीज आर ऑल्सो यू यूज टू बी सेव और कंजर्व इन सच अ वे वेस्टर्न राजस्थान विष्णोई कम्युनिटी के लोग दे आर कंसिडिंग द हर्ड ऑफ ब्लैक बर्ग एंड नीलगाज वेरी वट यू वुड सेक्रेट वे वेरी वर्शिपिंग वे और उनके कम्युनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है दैट्स वाई दी इज ऑल एनिमल स्पीशीज आर अंडर द प्रोटेक्टेड स्पीशीज So, sacred groves is the forest cover for the god and goddess, and different community members, different kinds of forest and wildlife species go through spiritual aspects se connect to ke, conserve karne ka kaam karte Then after, some other programs are also being launched by the government and also, and which ensures the conservation of forest and wildlife. रिसोर्सेस वो कौन से अदर प्रोग्राम्स थे जिनमें जिनके तहत हमने और कंजर्वेशन को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया इन अ सोसाइटी और लोगों को अवेयर किया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ़ आफ्टर दैट अवेयरनेस आफ्टर लेटिंग them नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कवर द थिंग्स आर इम्प्रूविंग are heading towards the improvement towards the conservation of forest and wildlife resources लाइफ रिसोर्सिस तो वो कौन से प्रोग्राम एंड पॉलिसीज रहे जो टाइम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए इन प्रोग्राम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट और क्वाइट फेमस पॉपुलर प्रोग्राम रहा जो गवर्नमेंट के एंड से आपका इम्प्लीमेंट किया गया द फेमस चिपको मूवमेंट चिपको मूवमेंट इज वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं और यह हमारे हिमालयाज में अगेंस्ट द डिफॉरस्टेशन एक्टिविटीज विच वॉज गोइंग ऑन और इसका रिजल्ट यह रहा जब यह हमारा इम्प्लीमेंट हुआ तो इसका रिजल्ट यह रहा न सिर्फ कम्युनिटी मेम्बर्स ने एफॉरेस्टेशन की तरफ जोर दिया बट ऑल्सो जो हमारे रिमेनिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ स्पेशीज थी या रिसोर्सेज थे उनको कंजर्व भी किया तो चिपको मूवमेंट इज वन ऑफ द दे एग्जाम्पल देन आफ्टर जो एक और मूवमेंट हमारा हुआ अगेंस्ट द यूज ऑफ एच वाई वी सीड्स जहाँ पे हमने ट्रेडिशनल सीड्स को प्रमोट किया एंड दैट इज समथिंग टर्म्ड एज बीज बचाओ आंदोलन ये हमारा टेहरी में हुआ था टेहरी इन उत्तराखंड यहां पे हमने सिंथेटिक और केमिकल फाइव फर्टिलाइजर्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट था और जहां पे हमने प्रमोट किया ट्रेडिशनल सीड्स को क्योंकि ट्रेडिशनल सीड्स आर द वन विच आर ट्राइंग टू कीप द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और जो हमारी एच वाई वी सीट थी हम सभी को पता है जब उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वी आर यूजिंग वी आर डिग्रेडिंग ऑर लैंड ऑल्सोर सॉइल ऑल्सो तो लैंड डिग्रेडेशन से ओवरकम करने के लिए ये एक प्रोग्राम जो हमारी चलाई गवर्नमेंट ने बीच बचाव आंदोलन इज वन ऑफ देन आफ्टर बहुत ही क्वाइट पॉपुलर प्रोग्राम था जे एफ एम जे एफ एम इज अइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और ये जो प्रोग्राम था ये हमारी ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इन द दर ऑफ 1988 एंड अंडर दिस प्रोग्राम उन्होंने लोकल कम्युनिटी मेंबर्स को इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना स्टार्ट किया एंड गिविंग देम द फुल अथॉरिटी टू इनिशिएट और टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज जो हमारे प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को ईजिली प्रोटेक्ट कर पाए उनको डिप्लीट होने से बचा पाएं सो दे आर द वन हु मे फॉम द लोकल इंस्टीट्यूट मे रन द कैम्पेन हाउ टू सेव दुट वुड से जो हमारी एंडेमिक स्पीशीज हैं जो हमारी इंडिजिनसि स्पीशीज हैं फॉर दैट लोकल कम्युनिटी फॉर दैट लोकल सराउंडिंग उनको हम कैसे सेव कर सकें सो दैट वॉज द मेन एजेंडा अंडर द जे एफ एम प्रोग्राम लोकल्स को इन्वॉल्व करो उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए क्या कहते हैं आप इनकरेज करिए एंड ऑल्सो व्हेन दे आर इन्वॉल्व वैन दे आर गिविंग देयर टाइम टू अ वर्क ऑल्सो दे नीड्स टू बी कॉम्पनसेटेड ऑल्सो तो जो हमारे प्रोडक्टिव फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे फिर चाहे वो टिम्बर हो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्रॉफिट्स थे उनमें भी कुछ शेयर जो था वो इन लोगों को जो लोकल्स हमारे इन्वॉल्व थे उन्हें भी दिया जाने का उनके साथ भी हमने शेयर करना स्टार्ट किया इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी मेंबर्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है फिर चाहे वो इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन की बात हो या फिर से हमें उस इन्वायरमेंट को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना हो उनको कंजर्व करना हो लोकल आर एवरीवेयर दीज कम्युनिटी मेंबर्स आर एवरीवेयर सो दे नीड्स टू बी इन्वॉल्व इफ वी वॉन्ट टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन अ प्रॉपर वे सो दिस इज ऑल अबाउट this concluding topic of the chapter community and conservation and with this we are done with the chapter forest and wildlife resources so i hope you have liked the session and this is the end of this chapter forest and wildlife resources thank you everyone for watching do like share and subscribe